अमरावती शहरामध्ये उष्णतेच्या झळांनी नागरिकांना पुरते हैराण केले आहे। विदर्भातल्या चार जिल्ह्यांमध्ये आजपासून तापमान असेच वाढत राहील असा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे। प्रादेशिक हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार विदर्भातील यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा, अकोला चार जिल्ह्यांमध्ये आजपासून ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला असून अमरावती, वाशिम, बुलढाणा या जिल्ह्यात सुद्धा वातावरणात बदल झाल्याने तापमानात वाढ झाली आहे। अभी जो मुख्य जो बढ़े हुआ है टेम्परेचर 45 के आसपास है वो दो जिले हैं, वर्धा और चंद्रपुर, और आगे अकोला, नागपुर और बुलढाणा, ये दो तीन डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे 45 के आसपास टेम्परेचर जा सकता है। क्या मुख्य कारण है सर ये टेम्परेचर बढ़ने का? अभी जो है उत्तर भारत से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं राजस्थान की तरफ से, वो ड्राई और हॉट एयर जो है वहाँ से आना शुरू हो गया है, और जो सेंट्रल इंडिया में विंड डिसकंटिन्यूटी थी जिसके कारण बंगाल खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा था वो कमज़ोर पड़ गया है और उसका असर कम हो गया है क्योंकि वो थोड़ा दक्षिण में भी चला गया, तो इसलिए उसका विदर्भ में उसका असर खत्म हो गया। आने वाले दिनों में कोई राहत की संभावना नहीं? अभी कोई संभावना नहीं है राहत की, अभी हीट वेव की चेतावनी अगले 5 दिन के लिए है। विदर्भातील उष्णतेचा पारा सध्या 44 अंशाच्या पुढे सरकला आहे, त्यामुळे हवामान विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार पारा असाच भडकत राहील अशी शक्यता व्यक्त होत आहे। राजेंद्र वाटाणे, लोकशासन न्यूज, अमरावती।